विन्दति द्वादशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मभिर्निभि कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्मामि मन्त्रणम् तिलकं विब्रजायस्तु तस्य ग्रहवयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायामि मन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षि सम्भव किमत्र भौनोक्तेन नृसिंहासदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु स तच्छाप्नोति संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुवि क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं गुणयन्तं करनिकर्षते दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् की सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् की सर्वविघ्नविनाशक नृसिंहदेव भगवान् भक्तवत्सल नृसिंहदेव भगवान् की भक्त श्रोमणी प्रह्लाद महाराज की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले हृदय में जो संसारी बातें चल रही हैं, बुद्धि में जो भौतिक विचार चल रहे हैं, उन सब का परित्याग करते नृसिंहदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण देव की प्राप्ति। ओम अख्यंति वृंदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि भगवद्गीता माध्य की शिला प्रभुपाद की थाई गौर। आज हम श्रीमद् भगवद्गीता का कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? हाँ, कौन सा पिछली दफा कौन सा पढ़ा था? पढ़ा था ना पिछली दफा। आप लोग याद तो करा करो कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ताकि कम से कम आप लोगों को तो पता है क्या करना चाहिए, गीता भी लेके आनी चाहिए ताकि गीता में देखो तो सही मैं सही बता रही हूँ या गलत बता रही हूँ, पता तो चले जो श्लोक में पढ़े वो गीता में है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर तो क्योंकि ओवरव्यू दिया जा रहा है तो अपनी गीता भी साथ में होनी चाहिए।
आज हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 12। और 12वें अध्याय का नाम क्या है? 12वें अध्याय का नाम वो है जो भगवान का भी नाम है। कौन सा? पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग एक महीने का भी नाम है और ये बहुत ही परम पावन महीना भी होता है। और 12वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सबसे लिटिल एंड सबसे स्वीट अध्याय, बहुत स्वीट अध्याय। एक तो बहुत छोटा सा है, आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? 12वां। कितने श्लोक है? सब ब्लैंक। कल बढ़ते नहीं हो क्या? श्रीमद् भगवद गीता का के दो दो अध्याय एकदम छोटे हैं, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 15, 12 और 15। और इन दोनों में इक्वल श्लोक हैं। दोनों में कितने कितने श्लोक हैं? 20-20 श्लोक हैं। सबसे छोटा अध्याय 20। पिछली दफा हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था? 11वां अध्याय। उसमें कितने श्लोक थे? 55 श्लोक थे, 55 श्लोक थे। और वो थर्ड नंबर का बड़ा अध्याय था। फर्स्ट नंबर पे बड़ा अध्याय है 18, जिसमें 78 श्लोक हैं। सेकंड नंबर पे बड़ा अध्याय है सेकंड चैप्टर, जिसमें के 72 श्लोक हैं। और थर्ड नंबर पे जो सबसे बड़ा अध्याय है वो कौन सा है? 11। उसमें कितने श्लोक हैं? कितने हैं? 55। और आज हम जो श्लोक जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम लोग। नंबर कौन सा है? 12। और इसमें कितने अध्याय कितने श्लोक हैं? 12। ठीक है, यहाँ तक याद करो, पक्का करके आना। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् पद्म पुराण में श्रीमद् भगवद गीता के सारे अध्यायों का महात्म्य लिखा हुआ है। और वो महात्म्य किसने बताया है? भगवान श्री नारायण ने। किसको बताया है? किसको बताया है? हाँ, हमें बताया है, मेरे नारायण। हम वहां पे बैठे हुए थे क्या? भगवान श्री नारायण हमें बताइए कि 12वें अध्याय का कौन सा तात्पर्य है। ऐसे नहीं है, लक्ष्मी महारानी को बताया। किसने किसको बताया? हर दफा मैं बताती हूँ, लक्ष्मी माता ने पूछा श्री नारायण से, हे प्रभु अब मुझे 12वें अध्याय का महात्म्य बताइए। तो वहां पर नहीं होते हो क्या? यहाँ पर बैठा, ये एक घंटा स्पेशल यहाँ पर बैठने के लिए। जो अंदर जाता है इधर से नहीं निकलना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। हाँ तो दिल में जाए, हाँ तो बुद्धि में जाए, कहीं पर सेव रखा करो, क्योंकि रोज रोज नहीं मिलता है सब सुनने को। तो पद्म पुराण में श्री नारायण जी भगवद्गीता के महात्म्य को किसको बताते हैं? लक्ष्मी माता को। अच्छा, लक्ष्मी माता जी ने हरे कृष्ण श्री नारायण से कहा, प्रभु आपने मुझे 11वें अध्याय का महात्मा सुनाया, मुझे बहुत आनंद आया, आप मुझे 12वें अध्याय का महात्मा सुनाओ। तभी श्री नारायण ने कहा, हाँ लक्ष्मी अब सुनो, मैं तुम्हें 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। दक्षिण देश में एक राजा था जिसका नाम था सुखानंद, और उसी नगरी में उत्तंगा नाम का एक बड़ा ही बदचलन व्यक्ति रहता था। बदचलन का मतलब सारे गलत काम करता था, वाइन विमेन गैम्बलिंग मीट ईटिंग सब करता था, और एक वेश्या के साथ उसकी संगति भी थी। वो क्या करता था? वेश्या को लेकर देवी माता के मंदिर में जाता था, और देवी माता के मंदिर में जाकर वो शराब पीता था, मांस खाता था, भोग करता था। और दूसरे लोग पूछते थे, तुम सारी रात मंदिर में क्या करते हो? तो बोलता था, मैं मंदिर में माता की स्पेशल पूजा करता हूँ, तो मैं किसी को भी उस टाइम पर अंदर नहीं आने दूंगा। तो वो बहुत ही बदचलन व्यक्ति था, तो माता जो है ना उससे बहुत परेशान हो गए। अब देखो एक बात याद रखो, वैसे तो संसार में किसी को भी तंग करोगे ना, गलत करोगे, तो भगवान वो हिसाब किताब तो देना ही है। लेकिन मंदिर में अगर कोई घपला करेगा ना, अगर कोई मंदिर में गलत कार्य करेगा, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे बदला लेने के लिए। इसलिए जो मंदिर में लोग रहते हैं ना, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए।
तो वो माता के मंदिर में रहता था और गलत काम करता था। तभी उसी माता के मंदिर में एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने देवी माता की बहुत स्तुति की। माता की स्तुति जब उस ब्राह्मण ने की तो माता बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बोली मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत खुश हो गई हूँ, तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हरे कृष्ण। सावधान बोला, जो मांगोगे वो मैं दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी है ना उसने पूछा ब्राह्मण ने कि क्या शर्त है। बोला एक व्यक्ति रोज मेरे दर्शन करने आता है, मेरे मंदिर में आता है, लेकिन वो गलत कार्य करता है। अब वो रोज मंदिर में आता है, मेरे दर्शन होने का कुछ तो उसे लाभ मिलना चाहिए ना। वो तो तुम कुछ ऐसा करो कि उसके सारे पाप खत्म हो जाए और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तभी उसने बोला मैं क्या करूं। बोला वो मैं तुमको नहीं बता रही, बस तुम ढूंढो, खोजो इसका कोई उपाय कि उसका छुटकारा हो जाए और वो मोक्ष को प्राप्त कर दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारी जो भी इच्छा है वो सारी पूरी कर दूंगी। तभी उसने सोचा ठीक है, माता ने दर्शन दिया है और आदेश दिया है। वो ब्राह्मण मेरे गया अपने गुरु महाराज के पास और गुरु महाराज से पूछा कि एक बचकाना व्यक्ति हो जो सारे गलत काम करता है, उसका उद्धार कैसे होगा, उसके उद्धार का कोई तरीका बता, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा। तब उसका गुरु कोई वैष्णव नहीं था, उसने बोला कि मुझे संसार में सुख कैसे मिलेगा ये तो पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि मुक्ति कैसे मिलती है। तो तुम ऐसा करो, क्योंकि मुक्ति देने वाले कौन है, भगवान नारायण, तो तुम क्या करो भगवान के पास जाओ, उनसे जाके पूछो कि किसी बच्चन व्यक्ति की मुक्ति कैसे होती जो अपराध करते हैं। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, उस ब्राह्मण ने भगवान नारायण की बहुत तपस्या की। अब देखो कितनी हैरत की बात है, ये असल में देवी का भक्त है और देवी के आदेश को पालन करने के लिए किसकी तपस्या कर रहा है, भगवान नारायण की। तो भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी तपस्या करने के लिए आया है। भगवान नारायण ने पूछा आपको क्या चाहिए, वरदान कौन सा चाहिए मांगो। तब उसने बोला मुझे ये बताओ कि मैं उस उन बच्चनम व्यक्तियों का उद्धार कैसे करूं, उनको अपने बारे में नहीं मांग रहा है, भगवान सामने खड़े जब वो बोल रहे भाई पूछो। तो ऐसे जैसे देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं ना, उनका माइंड इतना क्लियर, उनको पता नहीं होता हमें क्या चाहिए, उसको पता था मैं बस इनका छुटकारा कराऊं और मुझे फिर बाद में देवी माता देगी। अरे भगवान सामने खड़ा उससे मांग लो, उसने नहीं मांगा, उसने खाली ये पूछा मुझे ये बताओ कि इन चरण जो व्यक्ति है, एक वैश्या है और ये व्यक्ति है, उसका उद्धार कैसे होगा। तब भगवान नारायण ने कहा अगर ये 12वें अध्याय का पुण्य प्राप्त करे, श्रीमद् भागवत भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुने और कोई ब्राह्मण उनको इसका पुण्य प्रदान करे तो दोनों ही अदम योनि छूटकर सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब ये ब्राह्मण वापस से माता के पास गया, माता की स्तुति करके बोला कि नारायण भगवान ने ये ना सॉल्यूशन दिया है कि आप इनको 12वें अध्याय का पाठ करो। तब देवी ने कहा अच्छा ये भगवद गीता सुनने से इनके अपराध कैसे समाप्त होंगे। हरे कृष्णा, नरसिंह भगवान की। तब ब्राह्मण ने बोला ये मुझे नहीं पता, मैंने ये नहीं पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो भगवान ने बोला जाके सुनाओ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तभी देवी माता ने बोला ठीक है, अगर भगवान ने बोला है तो सुना के देख लो, अगर इनकी मुक्ति हो जाती है तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। और जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण ने उन दोनों को बुलाया और 12वें अध्याय का बहुत ही प्रेम के साथ पाठ किया और दोनों जैसे ही भगवद गीता के 12वें अध्याय को सुना, उसी समय आकाश से विमान आए और श्री पॉल उनको वैकुंठ में बैठा कर ले गए। और श्रीमद् भगवद्गीता ये असल में कोई स्टोरीज नहीं है, ये रियल कथाएं हैं। और फिर क्या हुआ,
तब देवी माता ने कहा एक ब्राह्मण श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय का ऐसा फल है जिसको सुनते ही पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाते हैं। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत खुश हुई हूँ, आज से मेरा नाम वैष्णवी है और आज से मैंने तुम्हें इस नगरी का राज्य दे दिया। अब ये राज्य उसने बोला, तुम्हें पहले बोला था ना कि भाई तुम इन दोनों की मुक्ति कराओगे तो कुछ ना कुछ दे दूंगी जो आप मांगोगे, बोला पूरी नगरी का राज्य दे देता। अभी राजा कौन थे मैंने शुरू में बताया था, अभी भूल गए होंगे, उस राजा का नाम था सुखानंद। ठीक है, वो राजा देवी माता ने तो बोल दिया कि राजा मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा, लेकिन वो राजा तो कोई और था। उस राजा के ख्वाब में देवी माता आई और बोली हे राजा अब तुमने बहुत राज्य कर लिया, अब जाओ भगवान की प्राप्ति करने के लिए तपस्या करो और कल तुम्हारे यहाँ पर एक ब्राह्मण आएगा उसको अपना राज्य दे देना। माता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और सुबह उनके घर पे ब्राह्मण आया राजमहल में, उन्होंने उनको अपना राज्य दे दिया और स्वयं चले गए तपस्या करने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की। तो ये थी महिमा श्रीमद् भागवतम के कौन सा अध्याय, 12वें अध्याय। बहुत ही छोटा बहुत ही सुंदर अध्याय है, इसका नाम है भक्ति योग। अरे सॉरी पुरुषोत्तम योग नहीं, इसका नाम भक्ति योग है। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय है, ठीक है। और भक्ति योग में भगवान बहुत ही सुंदर रीति से बताते हैं कि भक्त कौन से भक्त मुझे प्यारे लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, बहुत मजा आएगा सुन के। पहला जो श्लोक है, पहले श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न करेंगे और 2 से लेकर 4 तक इन श्लोकों में भगवान उसका उत्तर देंगे। और उसके बाद आगे के जो श्लोक हैं उसमें अंतर बताते हैं भगवान। अंतर क्या है कि निराकारवादी और साकारवादियों के भक्ति का जो डिफरेंस है वो बताएंगे। उसके बाद 8 से लेकर 12 तक भगवान भक्ति के स्तर बताएंगे। स्तर मतलब स्टेज, सबसे ऊंचा भक्त कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। तो 8 से लेकर 12 तक भगवान ये बताएंगे और उसके बाद 13 श्लोक से लेकर 20 तक भगवान ये बताएंगे कि उनको कौन से भक्त प्रिय लगते हैं। तो आइए हम सुनते हैं। शुरू में अर्जुन एक सवाल पूछता है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वं परियुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तद्वित्तमा। अर्जुन पूछता है हे भगवान, 2 प्रकार के लोग आपकी भक्ति करते हैं, एक तो आपके साकार स्वरूप को मानते हैं और दूसरे निराकार स्वरूप को। आप मुझे ये बताइए कि तेषां के योगवित्तमा उन दोनों में आपके ख्याल में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान के लिए ये क्वेश्चन बहुत भारी है क्योंकि ये ऐसा ही है कि किसी पिता के 2 बालक हों या किसी माता के 2 बच्चे हों और उससे पूछा जाए कि भाई एक तो छोटा बच्चा है सारा दिन आपकी गोद में बैठा रहता है, कभी क्या करता है कभी क्या, और एक आपका बहुत बड़ा बेटा है जो स्टडी करता है, बिजनेस करता है या कुछ भी बड़ा है समझदार है, तो दोनों में आपको ज्यादा प्यारा कौन सा लगता है। बच्चे हैं तो दोनों ही प्यारे लगते हैं। अब दोनों का अलग अलग वे है प्रेम के इजहार का, तो माता को तो दोनों ही प्यारे लगेंगे ना। अब भगवान भी बोलेंगे, भगवान के सामने भी कुछ हमारे जैसे बेवकूफ भक्त होते हैं, वो सारा दिन भगवान को कभी पुष्प अभिषेक कराओ, कभी ये कराओ, कभी झूलन यात्रा कराओ, कभी ये कराओ, कभी भोग लगाओ, कभी क्या करो, हर वक्त भगवान के साथ चिपक चिपक करते रहते। और दूसरे भक्त कौन से होते हैं, निराकारवादी, वो बोलते हैं बस भगवान तो कण कण में है, भगवान तो सर, भगवान तो मन में है, ध्यान लगाओ भगवान का, वो उनका अलग तरीका है। अब वो अलग तरीके से प्यार करते हैं, वो अलग तरीके से प्यार करते हैं, लेकिन आज अर्जुन पूछ रहे हैं तेषां के योगवित्तमा उन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान ने कोई देर नहीं की और फौरन बताया 2 श्लोक में। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मता। भगवान बोलते हैं मय्यावेश, मय माना
मुझ में, मेरे अंदर, मेरे अंदर मतलब भगवान कौन है, सामने कौन से खड़े हुए, सारा साकार है या निराकार है? साकार है, रथ पे बैठे हुए हैं, घोड़े की लगाम थामी हुई है, मैया वैश्य मनो, जिनके मन मेरे साकार रूप में स्थित होते हैं। सिंपल, एकदम क्लियर। भगवान कहते जो जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में जमाते हैं और श्रद्धया परयोपेत, बहुत ही श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, बस सिंपल है, जैसे आप लोग हो ना, ऐसे प्रेम करते हैं भगवान से, मन लगाते हैं कृष्ण के अंदर, प्यार करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, और विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। क्या क्या श्रद्धा है? कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृतम, बस कृष्ण की भक्ति करते हैं तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो 11वें रूप, 11वें अध्याय में देखकर आगे विराट रूप, सब कुछ कृष्ण के अंदर है, तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही क्या है। जो मेरे साकार स्वरूप को मानते हैं और अपने पूजन के मन मेरे साकार स्वरूप में लगे हुए हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे मेरे मेरी राय में, भगवान कहते हैं मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद भगवान उनके बारे में बताते हैं जिनका उनके अंदर भाव होता है, प्रेम होता है, जो जिसका भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, यानी निराकारवादी, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं, ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम अचलं ध्रुवम संयम्येन्द्रियक्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरता। भली नहीं समझ में आए फिर भी संस्कृत का श्लोक सुना कर, हो सकता है कभी आपके लिए भी विमान आ जाए, भगवान के शब्द है ना, उसने भी तो सुना था, आया था ना विमान, तो पूरी श्रद्धा से सुनना चाहिए। तो यहाँ भगवान आगे कहते हैं, जो लोग इंद्रियों को काबू में करते हैं, मतलब ये तो अक्षरम, वो जो निराकार की पूजा करते हैं वो क्या करते हैं, संयम इंद्रिय ग्रामम, अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं और हर एक को सर्वत्र समबुद्धया, जितने भी जीव सब में भगवान है, मतलब साकार रूप को नहीं मानते हैं लेकिन हर एक जगह पे भगवान का भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसे जो निराकार रूप को की और आसक्त होते हैं वो लोग तमाम सब लोगों की भलाई में मशगूल रहते हैं, क्योंकि वो भगवान की पूजा नहीं करते हैं लेकिन सोशल वर्क्स करते हैं कि भाई सब में भगवान है तो सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, वो भी निराकारवादी होते हैं, वो भी अच्छे कार्य करते हैं, चैरिटीज करते हैं, तो वो भगवान कहते हैं वो भी आखिर में ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो भी आखिर में मुझे ही प्राप्त करते हैं सर्वभूत हिते रता, क्योंकि वो सारे जीवों के हित के लिए या अच्छाई के लिए भलाई के लिए कार्य करते हैं, वो भी आखिर में क्या करते हैं, मुझे क्या करते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, किसको प्राप्त करते हैं, भगवान से। तो फिर अर्जुन ने बोला ठीक है, इसका मतलब है कि जो भक्त होंगे साकार रूप वाले होंगे वो भी आपको प्राप्त करेंगे, जो निराकार रूप वाले होंगे वो भी आपको प्राप्त करेंगे, फिर तो बस इक्वल हुआ ना, दोनों सब सेम ही हुआ ना, मंजिल तो एक ही है, तो भले एक जैसा हुआ जो भी जिसकी करे। तब भगवान ने बोला मंजिल एक है लेकिन फिर भी अंतर है, क्या अंतर है वो भगवान आगे बताते हैं, श्लोक नंबर 5 से शुरू करते हैं, बहुत ही सुंदर। एक भक्त और एक निराकारवादी, उनके बीच के डिफरेंस को भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर् दुःखम् देहवत् भिरवाप्यते। भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषां, क्लेशोधिक अर्थात बहुत कठिन है, अव्यक्ता सक्त चेतसा, जो अव्यक्त है, अभी देखो मन को उसके अंदर लगाना जिसको कभी आपने देखा नहीं,
जिसकी आपने कभी लीला नहीं सुनी, जिसको कभी आपने महसूस नहीं किया, उससे प्यार करना कितना कठिन होगा, है ना। तो भगवान कहते हैं क्लेशो दिक्कत तरसते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम, क्योंकि मन का लगता है। अभी एक बहुत ही सुंदर बात है, आप सोचते हो ना मन लगना चाहिए भगवान में, मन कहाँ लगता है? गीता में भगवान बताते हैं मन वहां लगता है जहां आपकी इंद्रियां लगती हैं। मन यहीं पर लगा है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणां हि चरताम यन मनो अनुविधीयते, जहां जहां इंद्रियां देखती रहेंगी जाती रहेंगी। इंद्रियां क्या है? आंख कान नाक त्वचा रस नाम, ठीक है। अब देखो आंख से जिसको देखोगे मन उसमें लगेगा, कान से जिसको सुनोगे मन उसमें लगेगा, जीवा से जिसको खाओगे टेस्ट करोगे मन उसमें लगेगा, स्पर्श करोगे जिसको मन उसमें लगेगा। लेकिन वो निराकार जिसको ना कभी आंख से देखा है ना कान से सुना है ना जीवा से खाया ना तब ना ही तो है ना उसको स्पर्श किया है, तो भला उसको कैसे टेस्ट, उसका टेस्ट कैसे आएगा, उसकी ओर मन लगेगा कैसे? तो इसलिए कोई लोग अगर बोलते ना भाई हम तो मन से भगवान को याद करते हैं, बस माला नहीं जप करते, भगवान की सेवा नहीं करते, भोग अर्पण नहीं करते, घर में ये घंटड़ियां बजा के हम लोग ये सब नहीं करते, जिस तरह से ये लोग शोफ करते ना, ये भगत लोग बहुत शोफ करते हैं सारा दिन बस ये लगाते। हम मन में भगवान को याद करते ना, मन में भगवान ने तो यही कहा भाई क्या करना है, मैं ये वो मना आदर्शो मन से मुझे याद करो। तो भगवान ये साफ साफ याद रखो, भगवान भी कहते हैं कि भाई डायरेक्ट से मन को लगाना बहुत कठिन है, इसलिए तस्मातुम इंद्रियाण यादव नियम या भरत अर्षभा, इसलिए पहले इंद्रियों से मेरी सेवा करो। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे अव्यक्त ही गतिर दुखम, गति को, गति का मतलब क्या है? स्पीड बोलते हैं ना, इसकी गति बहुत मंद है। तो बोला जिस जो निराकारवादी है उनकी गति स्पीड कम है, उनको प्यार कैसे होगा? अब भक्त तो क्या है रोज रोज कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज करते रहेंगे, पहले कथा सुनेंगे, फिर भगवान के घर में विग्रह को स्थापित करेंगे, कभी अभिषेक होता है, कभी पुष्प अभिषेक होता है, कभी जुलन यात्रा होगी, कभी ना भगवान का चंदन यात्रा होगा, कभी भगवान का हैप्पी बर्थडे, भगवान का बर्थडे आता है जन्माष्टमी पर, और देखो कराची में जितने भी भगवान है उनका अलग अलग दिन पे बर्थडे, हर रोज किसी ना किसी भगवान का बर्थडे, आज हमारे भगवान का बर्थडे, आज हमारे भगवान के बर्थडे भी रोज होते हैं, है ना। और भगवान का अलग अलग ना, किसी से पूछो ये कौन है, उनके ठाकुर जी की ठोटो, बोलेंगे ये हमारे भगवान है, मतलब उनका पर्सनल प्रॉपर्टी, ये हमारे भगवान है, ये हमारे नरसिंह भगवान कौन है, हमारे भगवान है ये, किसी दूसरे नरसिंह भगवान का मंदिर में जाएंगे फिर बोलेंगे हमारे भी है नरसिंह भगवान, मतलब ये हमारा अपना पर्सनल भी है। तो भक्तों का क्या है, एक अलग से भगवान के साथ अटैचमेंट है, लेकिन जिनका अपना है नहीं, अभी निराकार वाले नहीं बोलेंगे ये मेरा निराकार है, ये वाला निराकार भगवान मेरा है, दूसरे का निराकार दूसरा है, निराकार तो एक ही है, तो उनके उसके पास क्या है, अपनापन नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अव्यक्त ही गति दुखम, उनकी गति बहुत कठिन है, मतलब स्पीड बहुत दूर है, और गति का दूसरा मतलब होता है गोल, गोल जो उसके बाद निराकार के रास्ते पर चलने के बाद जो उसको मिलेगा वो भी बहुत दुखदायक है। क्या मिलेगा? एक ज्योति मिलेगी, उसके अंदर जाना पड़ेगा। भक्त को क्या मिलेगा? भगवान का नाम मिलेगा, जहां पर रासलीला हो रही है, जहां पर भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो गति में स्पीड भी स्लो है और गति मतलब गोल वो भी दुखदायक है। और फिर भगवान कहते हैं ये जो भक्ति का रास्ता है, एक तो वो सरल है, सरल है मतलब प्रैक्टिकल है, और भगवान के अंदर मन बहुत जल्दी लग जाता है जब साकार भक्ति की जाती है। लेकिन भगवान आगे कहते हैं 6:7 में, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवानी मच्चिरात्मा मय्या वेशित चेतसा। एक तो पांचवें श्लोक में बताया क्लेशो धिकत रस्ते शाम, जो निराकारवादी है उनके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन है, और जो भक्ति में आएंगे ना, जो मेरी भक्ति करेंगे उनको आगे खुद नहीं बढ़ना है, मैं क्या करता हूँ हाथ पकड़ के उनको लेके जाता हूँ। उनका तो ऐसा कैसे है? देखो दो बच्चे, अभी देखो एक माता जी के दो बच्चे हों,
एक बच्चा बड़ा है, ठीक है, वो 14-15-16 साल का है, उसको चलना आता है या नहीं आता? आता है ना, वो खुद से चलता है। और एक छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का है या 2 साल का है, तो दोनों से प्यार एक जितना करती है ना माता जी, प्यार तो अपने बच्चों, लेकिन जो 15 साल का है उसकी फिंगर पकड़ के चलती कभी नहीं पकड़ती, उसको पता है खुद ही चलेगा। और जो छोटा है वो बोलेगा मेरे को खुद ही चलना है, नहीं मैं पकड़ती हूँ, वो बोलेगा बार बार हाथ छोड़ेगा, बोला मैम मैं खुद ही चलूंगा, फिर भी उसका हाथ पकड़ेगी, नहीं आप गलत हो जाओ, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, मैं पकड़ती हूँ, ऐसा ना, ऐसा करते ना। तो उसी तरह से जो भक्त होता है ना वो भगवान का छोटा सा बच्चा होता है, और भगवान जैसे जैसे मैया छोटे बच्चे से कितना प्रेम करती है, तो इसलिए भगवान साफ कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत परा, जिसको अपने कर्मों का कोई फल नहीं चाहिए, अपने सारे कर्मों के फलों को मुझे समर्पित कर देते हैं, और अनन्य बनोगे ना मैं अनन्य, मतलब और किसी का नहीं, केवल मेरे साथ प्रेम का संबंध निभाते हैं, मां ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ, भगवान कहते हैं तेषां अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर, फिर मैं उसको गोद में उठाता हूँ और भाव सागर से पार लेके चला जाता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार क्या हुआ, एक भगवान का बिहारी जी के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, बिहारी जी से बहुत प्रेम करते थे, और रोज बिहारी जी को बोलते थे मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ ही हो, तुम मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाते, लेकिन है ना आप कुछ करो ना ऐसा मुझे पता चले, मतलब मुझे रियलाइज हो कि आप मेरे साथ हो, मतलब मुझे कैसे पता चले, मुझे यकीन तो है विश्वास तो है, मगर मैं चाहता हूँ मुझे अनुभव भी हो, मुझे प्रैक्टिकल पता चले कि आप मेरे साथ हो, रोज ऐसे प्रार्थना करते थे। तभी एक दिन बिहारी जी ने कहा यहाँ से तुम जाओगे ना समुद्र के तट आएगा और ये यमुना नदी आएगी ना, तो यमुना नदी के किनारे पर तुम चलोगे ना, देखो तुम अकेले चल रहे होगे, तो एक व्यक्ति के कितने पाँव होते हैं, दो पाँव, तो दो पाँव के निशान बनने चाहिए ना, तुम्हें चार पाँव के निशान दिखेंगे, दो तुम्हारे और दो मेरे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा ना कि हम दो लोग चल रहे हैं, तभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मतलब तुम्हें प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल चाहिए ना, तो तुम देखना चार पाँव होंगे। तो वो वाकई में जब चल रहा था तो साथ साथ में दो पाँव के निशान और भी थे, दो उसके और दो बिहारी जी के, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, बोला बिहारी जी आप मेरे साथ चलते हो, मुझे मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है, कि बोला मैं तो हर समय तुम्हारे साथ होता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं समय आता कि तुम्हारे साथ नहीं, वो अलग बात है तुम्हें दिखता नहीं हूँ, तो दिखती तो हमें हवा भी नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा हमारे साथ नहीं है, तो उसी तरह से भगवान भी हर समय हमारे साथ होते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन उसके जीवन में बहुत क्राइसिस आ गए, नौकरी छूट गई, गरीबी आ गई, और बहुत सारी है ना मतलब बोले थे कर्जा ले लिया, बहुत मतलब इतना ज़्यादा उसके जीवन में झंझट आ गया और बहुत दुख आ गए, और बहुत जब दुख आए तो उसको लगा कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख आ गए हैं, भगवान मेरे साथ है फिर भी इतना दुख। फिर जाके बिहारी जी को बोला कि आप मेरे साथ हो या नहीं हो, क्योंकि जहाँ आप होते हो वहाँ तो दुख होना ही नहीं चाहिए। तो फिर है ना उसने तभी भगवान ने कोई जवाब ही नहीं दिया, फिर वापस उसी उसने बोला पहले भी तो मैं जब नदी के किनारे जाता था तभी भगवान के चरण दिख रहे थे, आज मैं वापस से देखता हूँ कि भगवान के चरण हैं। तब वो जब वहाँ से गुजर रहा था तो भगवान के चरण ही नहीं थे, तब उसने सोचा भगवान तुम भी ऐसे करते हो, तुम भी जब लोगों के अच्छे दिन होते हैं तब साथ देते हो, आज मेरे बुरे दिन आ गए तो तुमने भी पीछे मुंह मोड़ लिया, तुम भी मुझसे दूर चले गए, आज देखो मैं अकेला, सिर्फ मेरे ही चरण है, इसे रोने लगा। और फिर रोते रोते वापस बिहारी जी के पास गया और बिहारी जी को बोला तुम ऐसे कैसे कर सकते थे, मैंने सारी दुनिया से को छोड़कर तुम्हारे चरणों का आश्रय लिया और तुम भी आज जब दुख का दिन आया तो तुम चले गए मुझे छोड़कर। बोला फिर बिहारी जी बोलते हैं अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया, मैं तो तुम्हारे साथ। बोला कहाँ थे मेरे साथ, मैं अभी देख के आया
वो वहां पर सिर्फ दो चरण के निशान थे, चार चरण के निशान तो नहीं थे। तभी उसने बोला कि चार चरण के निशान नहीं है ना, दो चरण के निशान है, क्योंकि वो दो चरण के निशान तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे निशान। बोला अच्छा, फिर मेरे चरणों के निशान कहाँ गए? उसने बोला जब मेरा भक्त दुख में होता है ना, तो मैं उसे चलने थोड़ी देता हूँ, उसे मैं अपनी गोद में उठा लेता हूँ। जैसे बच्चा होता है ना, जब दुख में होता है तो मैया क्या करती है, उसे गोद में उठा लेती है। बोला जब मेरा भक्त जब दुखी होता है ना, तो मैं उसे गोद में बिठा देता हूँ, और तभी तुम्हारे चरण नहीं दिख रहे थे, और जब तक तुम दुखी होगे ना, तब तक तुम मेरे सीने से लगाकर मैं तुम्हें रखूंगा, और ये दुख तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार मिलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं तेषां अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। मृत्यु लोक में जब भक्त आता है तो उसमें उसको जीवन में कई कष्ट आते हैं, कई दुख आते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं गोद में उठाकर उसको मृत्यु संसार से पार कर लेता हूँ। आगे भगवान बताते हैं, मैंने आपको बताया 8 से लेकर 12 तक भगवान क्या बताएंगे, ऊंचे भक्त से लेकर नीचे 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 स्तर तक आएंगे, 8 से लेकर 12 तक। तब भगवान, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवान के, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 श्लोक शुरू शुरू में हमें देखना है कि हम कौन से स्तर पर है। भगवान कहते हैं मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मय्येव मन आदत्स्य, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, मयि बुद्धिं निवेशय, जिसकी बुद्धि मुझ में स्थित है, मतलब मन मुझ में लगाओ और बुद्धि भी मुझ में लगाओ, इस तरह से भगवान कहते हैं तुम बेशक मेरे पास आओगे। पहला स्तर है मन बुद्धि सब कुछ भगवान में लगा हुआ है, कोई भौतिक विचार नहीं। ये बहुत ही ऊंची स्थिति है, ये बहुत वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव है ना, उनकी स्थिति है। जैसे गोपियां हैं, उनका मन भगवान, कृष्ण चले गए थे मथुरा, लेकिन उनको कभी एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि भगवान उनके साथ में है। 100 साल तक कृष्ण नहीं आए, और जब उद्धव आए थे उनको बताने के लिए कि कृष्ण अब नहीं आएंगे, बोला वो गए ही कहाँ हैं जो नहीं आएंगे, वो तो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। तो मन और बुद्धि भगवान कहते हैं मुझ में अगर लगाओगे, अतः ऊर्ध्वम न संशय, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भगवान, अगर कोई अर्जुन पूछे भाई ये तो बहुत कठिन है, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं कि मन और बुद्धि, क्योंकि ग्रस्त लोग हैं, संसार में रहते हैं, कलयुगी लोग हैं, तो सारा दिन मन में तो भौतिक वस्तुएं होती हैं, बुद्धि में भौतिक विचार होते हैं, कितने सारे बिजनेस हैं, काम हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, अब सुनो, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये जो भक्ति का रास्ता है, आप चाहे किसी भी स्तर पे हो, आपको कभी भी निराश नहीं होना है। चाहे एक जरा सा भी खाली मन में ये विश्वास भी है कि कृष्ण भगवान है, और उसको प्रणाम भी कर लिया ना, तो भी भगवान हमें स्वीकार करते। भगवान कहते कुछ मत करो, खाली ये कह दो एक बार, खाली एक बार ये कह दो कि तवास्मी मैं आपका हूं भगवान। हम लोग रोजाना बोलते ना, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। भले भगवान बोलते भले खाते पीते खुद हो, सारा जो तन मन धन है अपने ऊपर लगाते हो, लेकिन फिर भी बोल दिया ना मैं तुम्हारा हूँ, उसी से मैं रह जाता हूँ, उसी से मैं तुम्हें स्वीकार कर देता हूँ। इसलिए बोलना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं हो तो भी कम से कम रोजाना बोलना चाहिए, बोलते बोलते एक दिन कभी प्रैक्टिकल जीवन में भी आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मय्येव मन आदस्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 9 में, अथ चित्त समाधातुं न शक्तोपि मा स्थिरं अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि, अगर आपका मन हर वक्त मुझ में नहीं लगता, गोपियों की तरह नहीं लगता, तो भगवान बोलते क्या करो। भगवान कहते हैं अभ्यास योगे न ततो, फिर आप अभ्यास करो। जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमें अभ्यास दिया, अभ्यास क्या है,
भगवान की आरती करनी है, भगवान को दर्शन, भगवान को श्रृंगार कराना है, नाम जप करना है, तो ये अभ्यास है कंटिन्यू, कथा श्रवण करना है, कीर्तन करना है। तो अगर आपका मन कंटिन्यूस नहीं लगता है तो क्या करो, अभ्यास करो, नाम जप करो, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। अभ्यास क्या करना होता है, नवधा भक्ति अभ्यास है। नवधा भक्ति में सबसे पहले क्या आता है, श्रवण करना, फिर कीर्तन करना, फिर स्मरण करना, भगवान की विग्रह को लेकर, पांच चीजें जो है ना महाप्रभु ने बताई करने के लिए अभ्यास में। अभ्यास में क्या है, पहला है साधु संघ, भक्तों का संग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप भक्तों का संग करोगे तो बाकी सब खुद ब खुद होता जाएगा, अभक्तों का संग करने से सब कुछ छूट जाएगा। संग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए पहला है साधु संग, उसके बाद है नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप। साधुओं के साथ बैठकर इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। और उसके बाद भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से प्रेम बढ़ता है। और उसके बाद श्री मूर्तेरा श्रद्धार सेवा, और श्री मूर्ति को भगवान की विग्रह को घर पे स्थापित करना चाहिए, प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। और पांचवा अंग है भगवान के धाम का वास करना चाहिए, वृंदावन मथुरा हरिद्वार, ये जो धाम है ना उधर जाना चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम किसी स्थिति में है उधर नहीं जा सके, फिर भी जो भगवान के टेम्पल्स हैं जहाँ पर भगवान की सेवा होती है वो भी कोई धाम से कम नहीं होते हैं। इसलिए हमें अपनी रूटीन बनानी चाहिए, अवश्य आने चाहिए, हमको कभी भी मंडे क्लास नहीं मिस करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का हमारा एक नियम होना चाहिए कि हम कुछ भी हो जाए हम भगवान के दर्शन करने जरूर जाएंगे। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कथा कर रहा है, कौन कीर्तन कर, हमको तो भगवान के लिए आना है ना। भगवान हमें जिस लायक समझेंगे उसके द्वारा हमें श्रवण करने को मिलेगा, है ना, जितना हमारी एबिलिटी होगी भगवान हमें वैसा ही संग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमें श्रद्धा होनी चाहिए, विग्रह के साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, तो हमें अवश्य आना चाहिए मंदिर में कथा सुनने के लिए। फिर भगवान कहते हैं आगे, माम इच्छा तुम धनंजय। अभ्यास में सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है, इच्छा। इच्छा क्या होनी चाहिए, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये बात भी समझ में आ जाए ना तो भी जीवन सफल हो जाए। हम इच्छा भगवान को प्राप्त करने की नहीं करते हैं, भगवान से प्राप्त करने की करते हैं। मंदिर में भी आते हैं ना तो भगवान के सामने आकर कुछ ना कुछ संसार का मांगते हैं, भाई आज ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दो, आज ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर दो, आज ये मेरे ऊपर ये कार्य है, ये आप मेरी इसमें हेल्प करना। भगवान से संसार को मांगते हैं, लेकिन भगवान हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप मुझे नहीं मांगोगे। माम इच्छा तुम धनंजय, इच्छाओं को, दूसरी इच्छाओं को निकालो, मेरी इच्छा करो, कृष्ण मुझे तुम्हें प्राप्त करना। तो ये सबक याद कर लेना चाहिए, भले हजारों ख्वाहिशें हो मन में फिर भी भगवान सामने आ जाए ना तब भगवान को बोलना चाहिए बस मुझे आप चाहिए, बस मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और याद रखो जो मिल गया कृष्ण तो और क्या रह जाएगा प्राप्त करने के लिए, है ना, कुछ ऐसा रह जाएगा क्या, जो एक दावा भगवान मिल गया तो फिर तो बस भगवान आपका है ना, फिर तो बस क्या चाहिए होगा। तो इसलिए भगवान कहते मेरी इच्छा करो, अभ्यास करो, नाम जप करो तब भी मेरी इच्छा करो, कीर्तन करो तब भी मेरी इच्छा करो, मेरे दर्शन करो तब भी मेरी इच्छा करो कि कृष्ण इसके द्वारा मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। और वे आगे भगवान कहते आप कोई अगर बोले भाई ये सब मुझसे नहीं होता, अभ्यास भी नहीं होता, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, अभ्यासोप्य समर्थोसि मत कर्मो परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तुमसे अभ्यास भी नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, तुम क्या करो मेरे लिए काम करने के लिए करो, मेरे लिए काम करने मतलब कोई भी कार्य करो, अच्छे सोशल वर्क्स करो, अच्छे कार्य करो और बोलो श्री कृष्ण अर्पण नमस्ते, मैं भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए करो। भले आप प्रैक्टिकली भक्ति नहीं कर पाते हो
मतलब सेवा आरती सुबह को नहीं कर सकते हो, शाम को नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, अभिषेक नहीं कर सकते हो, या फिर ना रोजाना क्लास में नहीं आ सकते, तो भी क्या करो, मुझे याद रखो, कोई भी कार्य करते हो तो मत करना, मेरे लिए कार्य करो। और अगर तुम मेरे लिए इस भावना में कार्य करने के लिए भी काबिल नहीं हो, कोई सोशल वर्क भी नहीं करते हो, तो भी कोई बात नहीं। आगे भगवान कहते हैं, अथै तदप्य शक्नोति कर्तुम् अद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अगर तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, जो भी करते हो, जो भी कार्य करते हो, बस अपने कर्मों के फलों को त्याग दो, अपने फलों को छोड़कर तुम आत्मस्थित होने की कोशिश करो कि बस मैं ये कार्य सिर्फ ड्यूटीज हैं, मुझे भगवान ने भेजा है तो मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, बस मैं मेरी ड्यूटीज को निभा रहा हूँ। और फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 12 में एक बहुत ही सुंदर बात बताते हैं, ये सारा जो अब तक बताया ना उसको मतलब कंक्लूजन बताते कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानम ध्यानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागा त्यागा शांतिरनंतरम। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, अच्छा है कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, ज्ञानात् ध्यानम विशेषते, ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है भगवान का ध्यान किया जाए भगवान, और फिर ध्यान करने से भी ज्यादा क्या श्रेष्ठ है कि भगवान से प्रेम किया जाए, है ना। और भगवान कहते हैं कि ध्यानात् ध्यानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागा, क्योंकि जब भगवान से प्रेम किया जाएगा, त्यागा शांतिम अनर्थनम, फिर हृदय के अंदर शांति आ जाएगी कि भगवान मैं जो भी मुझे मिल रहा है, चाहे अच्छा मिल रहा है, खराब मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये सब मुझे कबूल है, बस मुझे पता है, मुझे धन्यवाद है कि तुम मेरे साथ हो। हर वक्त हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जब भी भगवान के सामने जाओ तो भगवान को एक ही बात बोलो, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज, बस आपने मुझे ये जो समय दिया है, ये जो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हैं, भले दिखने में कैसा ही मुझे दुखी दुखी लग रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण, आपकी कृपा के कारण अभी भी मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। बड़ा दुख क्या है, भगवान के दर्शन ना हो, उससे बड़ा दुख क्या है, भगवान की कथा ना सुनने को मिले, उससे बड़ा दुख क्या है, मुंह से भगवान का नाम ना निकले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 राम। और जब तक जीवन में ये तीन कार्य हो रहे हैं, कौन कौन से, भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है, और भगवान का नाम मुख से निकल रहा है, समझो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी आनंदित शांत हम लोग हैं, सबसे ज्यादा भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। तो याद रखना, दुखी तब होना जब भगवान की कथा सुनने को ना मिले, जब भगवान के दर्शन करने को ना मिले, और जब भगवान का नाम जप करने को ना मिले। तो यहाँ तक भगवान ने, भगवान ने क्या बताया, ऊपर से लेकर सबसे श्रेष्ठ क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, इस तरह से। और अब भगवान ये बताते हैं कि मुझे कौन से लोग, कौन से भक्त जो हैं वो ज्यादा प्रिय हैं। बस चार पांच श्लोक हैं, फटाफट उसको पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः सरुण एवच निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद् भक्तः समे प्रियः। भगवान कहते अदेश, अब देखो भगवान को कौन से भगत पसंद है बताओ, जिसने तिलक लगाया हो, जिसने कंठी पहनी हो, जिसने शिकार रखी हो, ऐसे नहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं, वैसे भगवान को अच्छे लग, अच्छा है, वो एक गेटअप है, एक यूनिफॉर्म है, जैसे स्कूल में आते हैं ना, अब यूनिफॉर्म पहन के तो वो बच्चा भी आता है ना जो पढ़ता नहीं है, है ना, वो भी तो आता है, जो फेल आता है वो भी तो यूनिफॉर्म पहन के आता है ना, तो अच्छा है अगर यूनिफॉर्म में आता है तो अच्छी बात है, यूनिफॉर्म तो कम से कम पहनी है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पहली क्वालिटी भक्त की, पहली क्वालिटी मुझे कौन सा अच्छा लगता है,
जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से मतलब संसार में चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, गलत कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, साधु हो या फिर दुष्ट हो, किसी से भी द्वेष नहीं करता। और हमारे भक्त सबसे ज्यादा द्वेष करते अपने भक्तों से, सबसे ज्यादा। ये भगत, ये सही सही नहीं है बिल्कुल, ये भगत, इसको जो भगवान ने सेवा दी है ना उसके योग्य नहीं, देखना भगवान इसको देखेगा। अरे बाबा जैसा भी करना तुमको क्या है, हो जाने उसका, भगवान जाने, तुम अपने आप को देखो। भगवान ने आदेश दिया है कभी किसी से द्वेष नहीं करो, अपने आप को देखो कि मैं कैसा कर रहा हूं, दूसरों को तो देखना ही नहीं है, उद्धार करो, सीधा चलो अपने बारे में सोचो कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं भगवान को अच्छा, वो अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है वो जाने, गिरेगा तो वो गिरेगा ना गटर में, आपको क्या, थोड़े तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, तुम अपने साइड से चलो। तो भगवान कहते हैं पहली बात क्या करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, मित्र करुणा एवं च, पहले तो मित्रता करो। मित्र का मतलब क्या होता है उसको बताओ, मित्र का मतलब ये नहीं कि दूसरों को बताया जाए कि वो ऐसा है। सच्चा मित्र क्या है, जो आपकी बुराई को आपको कहता है देखो आप ये मत करो ये अच्छा नहीं है, या फिर वो तो मित्र नहीं होता जो आपकी बुराई को दूसरों को जाके बोलता है, नहीं होता है ना। भगवान बोलते हैं मित्र बनो, मतलब निंदा मत करो, अगर समझते हो कि उसके लिए कुछ गलत है तो उसको समझाओ मित्र, और फिर भी अगर वो नहीं समझता तो मत बोलो, हजार दफा बताए फिर भी ऐसे का ऐसा, क्या बोलो, करुणा ए बच्चा, करुणा मतलब भगवान के पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान आप उसके ऊपर कृपा करो कि वो भी सही हो जाए, अच्छा बनो, खुद अच्छे बनो, दूसरे भले गलत हो उनके लिए सोचो ही नहीं कि वो गलत है सही है। तो आगे कहते हैं निर्ममो, किसी भी वस्तु में मोह मत रखो, निराहंकार, किसी वस्तु का अहंकार मत करो, सम दुख सुख क्षमी, सम दुख, अगर तुम्हें अच्छा मिलता है, अगर तुम्हारे सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं तो भी, अगर सब लोग तुमको सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं तो भी, इक्वल रहो और क्षमा कर दो दूसरों को। एक श्लोक भी अगर हम लोग सीख जाए ना तब हम भगत बन जाए, एक श्लोक खाली ये वाला। और आगे तो भगवान कहते हैं संतुष्ट है सततम योगी, कंटिन्यू संतुष्ट हो, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, जिसको कोई कंप्लेन नहीं हो, किसी भी चीज की कोई कंप्लेन, चाहे कुछ भी हो रहा हो मन में कोई कंप्लेन नहीं, भगवान आप कर रहे हो ये तो आपकी योजना है, वो गलत कैसे हो सकती है, गलत तो मेरी बुद्धि हो सकती है, मैं गलत सोच सकता हूं, ये तो आपने किया है तो वो गलत कैसे, आपके मंदिर में जो कुछ हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा होगा तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो कभी भी गलत देखने का प्रयास ही मत करो कौन कैसा कर रहा है। तो भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी, यदात्मा दृढ़ निश्चय, पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, कभी भी गलत नहीं करते, भगवान की योजना कैसे गलत हो सकती है। मैं अर्पित मो बुद्धि, अपना मन अपनी बुद्धि सब मुझे अर्पण कर देता है, वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आगे भगवान कहते श्लोक नंबर 15 में, क्या तो भगवान के भक्त, भगवान कहते मुझे कौन सा भक्त पसंद है बताओ, अर्जुन बोलते बताओ, भगवान कहते यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः, जिससे किसी को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचता। अब हम लोग को याद रहता है वो भगत तो सबको कष्ट देता रहता है, वो भगत तो सबको कष्ट देता है, वो मत देखो खुद को देखो, मुझसे तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचता है ना। भगवान को कौन पसंद है, जिससे किसी को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचता और दूसरा चाहे कुछ भी करे उसको कष्ट नहीं होता, वो चाहे कुछ भी कर रहा हो वो कभी भी नहीं किसी को ब्लेम करता कि उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से, वो क्या सोचता है मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, किसी को कभी कोई ब्लेम नहीं करता। भक्त क्या करता है, मुझे जो दुख मिल रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, बाकी मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से किसी को भी दुख ना मिले, क्या वहां। और आगे भगवान कहते हैं हर्षामर्ष भयो द्वेग, चाहे उसके जीवन में सुख हो दुख हो या जो भी हो वो उसमें एक जैसा रहता है, खौफ और चिंता में
एक जैसा रहता है, कुछ भी हो जाए उसको कभी भी विचलित नहीं करता। ऐसा भक्त भगवान कहते हैं सचा मे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा है। और फिर आगे कहते हैं अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान कहते हैं ऐसा भक्त जो आम कार्यों में इन्हसार नहीं करता, मतलब किसी भी कार्य के फल पर वो उस आधार नहीं करता, शुद्ध है, एक्सपर्ट है और समस्त परेशानी और मुसीबतों से आजाद है। उसको पता है कि मैं भगवान की सुरक्षा में हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज, कितनी परेशानियां उनके, हमारे पास प्रहलाद महाराज की ऐसी एग्जाम्पल है जो कहीं पर भी फिट हो जाती। उनके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद कभी उसने बोला नहीं हे भगवान तुम्हारा नाम लेता हूं मेरा बाप मेरा दुश्मन बन गया, आना बाप मेरे को मारने के लिए तुला हुआ है, कुछ तो उसको सिखाओ, कुछ तो उसके ऊपर कुछ तो ऐसा दिखाओ चमत्कार उसको कि वो मुझे मारना पीटना बंद कर दे। वो मारने के लिए रोज कोई ना कोई योजना बनाता था, वो कभी नहीं प्रहलाद ने कंप्लेन की। और हमारे ऊपर कभी कोई दुगोर से देख भी लेता है, हम भगवान की सेवा करते हो, देखो ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, तो कोशिश करनी चाहिए हमको सोचना चाहिए भगवान। पता है मीरा को जब बोला गया कि ये जहर पियोगी तो मर जाओगी क्योंकि राणा ने तुझे मारने की ठान ली है, तो बोली राणा ने मुझे मारने की ठान ली है और ये गिरधारी ने मुझे बचाने की ठान ली है। अब बताओ राणा जीतेगा या गिरधारी जीतेगा? अभी राणा कैसे जीतेगा जब गिरधारी ने मेरे बचाने की पूरी योजना बना रखी है। तो मत डरिए, आपके पीछे चाहे कोई भी पड़े, नरसिंह भगवान ने आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली हुई है। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान। आगे भगवान कहते हैं बहुत ही सुंदर है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभत्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान कहते हैं यो न हृष्यति, बहुत मिल जाए ना जब उसके जीवन में बहुत धन आ जाए, बहुत यश आ जाए, बहुत सम्मान आ जाए, कभी भी वो अपने आप को ये हर्षित नहीं होता कि हाँ मैं तो कितना महान हो गया हूं, मतलब ऐसा कभी नहीं सोचता ना द्वेष्टि। और कभी अगर उसको कुछ भी ना मिले जीवन में तभी भी उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता, वो क्योंकि उसे पता है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं तो भगवान हमेशा मेरे साथ है, जो गलत भी हो रहा है वो भी भगवान की कृपा है। ऐसा कहा जाता है आप जब प्रार्थना करो और भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार कर लें और आपको वो वस्तु मिल जाए तो भगवान को क्या करो, क्या करो, धन्यवाद करो, क्योंकि भगवान ने वो आपको दे दिया जो आपने मांगा था। और अगर आप प्रार्थना करो और भगवान आपकी उस प्रार्थना को स्वीकार ना करें और वो वस्तु ना दे तब भगवान को डबल धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि अब भगवान आपको वो देंगे जो वो चाहते हैं। पहले तो वो दिया जो हम चाहते थे, अब वो देंगे जो वो चाहते हैं। और हमारी तो लिमिट इतनी है, वो तो करुणा के हे कृष्णा, तो वो जो देंगे कृष्ण। हमेशा श्री प्रभुपाद श्री भक्ति बाजी बोलते एक बात याद रखो, कृष्णास प्लान्स आर मोर बेटर देन योर ड्रीम्स। आपके ख्वाबों से बहुत बड़ी योजना है भगवान की। हम कितना ख्वाब नहीं देख सकते, हमारे पास बड़े बड़े ख्वाब देखने की भी योजना नहीं है, भगवान तो दे सकते हैं। तो इसलिए वो कभी भी पछताता नहीं है, शुभ अशुभ सब में एक जैसा रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा मुझे बहुत प्रिय है। अंतिम श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, इसमें भगवान कहते हैं सामह शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य
निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केन चेत् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भगवान कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च, अपने शत्रु और मित्र के साथ इक्वल है। अर्जुन सोचा होगा यहाँ पर दुर्योधन है मेरा शत्रु है और यहाँ पर मेरा मित्र है कोई भी, है ना, सब जो युधिष्ठिर महाराज है या कोई भी, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे शत्रु हैं, उनको मैं इक्वल कैसे देख सकता हूँ? दुर्योधन को दुश्मन देखूंगा तभी तो मारूंगा, और ये मेरे मित्र हैं उनको जब भी मित्र देखूंगा तभी तो बचाऊंगा, इनको मैं एक जैसा कैसे देख सकता हूँ? तब भगवान कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज तो तुम्हें करनी है, लेकिन मन में उनके लिए कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। मन में कोई भी विरोध, अभी युद्ध है तो कहां से प्लानिंग तो होगी कि भाई किसको मारना है, लेकिन मन में किसी के साथ कोई वैर नहीं होना चाहिए। तो अपनी, और भगवान कहते समाज शत्रु जो मित्र तथा मान अपमान है, चाहे मान मिले या अपमान मिले, ये बार बार इसलिए भगवान बता रहे हैं कि हम बार बार भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? जब कोई हमें सम्मान नहीं देता तब हम लोग बहुत दुखी होते हैं, जब कभी अपमान कहीं से मिलता है तो बहुत दुखी होता है तो बहुत आनंदित होता है। तो भगवान बोलते हैं जिसको सम्मान मिलता है ना उसको अपमान भी मिलता है, उसको पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आज मान मिल रहा है कल यही। कभी कोई, अगर कोई आपको ऐसे तो उसके खजूर के वृक्ष पर चढ़ाए ना कि आप इतने अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे लगते हो, ये तो याद रखो वही पीछे से दिक्कत देगा कल कि मान मिल रहा है तो कल समझो केशव, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे सुख हो दुख हो। और भगवान कहते सम संग विवर्जिता, संग विवर्जिता मतलब अगर बुरी सोबत जो है उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। संग विवर्जित, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। कुछ लोग सोचते हैं हम किसी के साथ भी संगति करें हम भक्त रहेंगे, नहीं, आपकी भक्ति को क्षण में बुरी सोबत खत्म कर सकती है, ये माया बहुत खतरनाक है। अगर भक्ति छूट भी जाए ना, कभी नाम जप नहीं हो रहा है या सेवा नहीं हो रहा है, छूट भी जाए तो भी एक बात याद रखो, कभी भी बुरे लोगों का संग नहीं करना, अभक्तों का संग कभी भी नहीं करना, भक्तों के संग रहो। आज भक्ति छूटेगी कल वापस से जमी। भक्ति जो है वो भक्तों के संग पर आधारित रहती है, इसलिए हमेशा भक्तों के साथ रहो, क्योंकि भक्तों के साथ आप सुरक्षित रहते हो। आपका दिल नहीं भी करेगा ना तो भी भक्त घुमा फिरा के आपको कैसे भी करके भगवान की भक्ति में लगा लेगा। इसलिए अपने आप के ऊपर अगर कोई दया कर सकते हो ना तो सबसे बड़ी दया ये है कि भगवान से ये प्रार्थना करो कि मुझे कभी भी भक्तों के संग से दूर मत करो, मेरे जीवन में कोई ऐसा दिन ना आए कि मैं भक्तों के संग से दूर रहूं। और भगवान आगे कहते हैं कि तो ये निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट हो, ये ना कहना जो भी आए उसमें संतुष्ट रहे, अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियम, वो जो अपने लिए घर की भी याचना नहीं करता, मतलब ये भी नहीं बोलता, क्योंकि भगवान वो जानता है कि भगवान मेरे रक्षक हैं, वो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, तो वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानाः मत्परमा भक्तिमा भक्तास्ते मतीव मे प्रियः। भगवान कहते हैं ये तो धर्मामृतम है, ये जो भक्ति के अमृत के पद को, अमर पथ के ऊपर चलते हैं, जो ये सारी चीजों को मानते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, किसी के साथ नफरत नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, बस जो भी उसको मिलता उसमें आनंदित रहते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, जो भक्ति के अमर पथ पर चलते हैं, और जो मुझे ही अपने जीवन का अजीम मकसद बनाते हैं, मतलब गोल क्या है, मुझे भगवान को प्राप्त करना। भगवान कहते हैं श्रद्धा दाना मत परमा,
जो पूरी पूरी श्रद्धा के साथ मेरी ही सेवा करते हैं, मेरी जो पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा मन और बुद्धि के साथ मुझ में लगे रहते हैं कि मुझे कृष्ण को खुश करना है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, जिसके सामने उसका गोल यानी मैं होता हूँ। भगवान कहते हैं कि श्रद्धदाना हमत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिय। अतीव मतलब वो मुझे बहुत 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 प्रिय है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवद्गीता मात की जय। तो एक भक्त क्योंकि भगवान से बहुत प्यार करता है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो बस एक ही इच्छा होती है, प्रेमी की बस एक ही इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है बताओ, ये सबकी अलग अलग है क्या? एक ही इच्छा होती है, बताओ क्या, कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मुझसे प्यार करे, है ना? ऐसा है ना, प्रेमी की एक ही इच्छा होती है कि मेरा प्रीतम भी मुझसे प्यार करे। और भगवान यहाँ पर इस 12वें अध्याय में ये बताते हैं कि मैं कैसे भक्तों से प्यार करता हूँ, है ना। आज भगवान ने ये बताया है कि मुझे कौन से भक्त प्रिय हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वैसा बनना चाहिए जैसा कि भगवान ने बताया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी भगवान की भक्ति करके भगवान की प्रिय बन सकूँ। हरे कृष्ण। सर्व विघ्न विनाशक कृष्ण श्रीमदे भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशक कृष्ण श्रीमदे भगवान की जय। भक्त वत्सल कृष्ण श्रीमदे भगवान की जय। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महा